सभी का मंगल हो। नमस्कार। वैसे तो ये मैं बराबर कटाक्ष बोल रहा हूँ, तंज कस रहा हूँ इस वीडियो में। उन उन क्या कहते हैं जो पदाधिकारी होते हैं, जब अपने पद पे रहते हैं तब तो उनको बड़ा इच्छा अच्छा लगता है। लोग उनसे मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, हाजिरी भर रहे हैं, सब कुछ है, परिवार वाले, रिश्तेदार, सब कुछ है। घर में भी वो पूरा अपना दबदबा बनाए रहते हैं, ठीक है ना, वो बन भी जाता है कुछ और बनाए भी रहते हैं। लेकिन जब रिटायर हो जाता तब उनको कोई नहीं पूछता, बाहर वाले तो पूछने वाले नहीं। जो कल को जी मैं आपका छोटा भाई, आपका बेटे समान, आपकी बहन समान, आपके वो सब गायब। ठीक है, रिश्तेदारी भी कुछ तो आगे पीछे हो लेते हैं कुछ, बस ही बस वो ठीक है। फिर लिपा पोती वाली बात आती है, लीप सेंपति। घर में जो पत्नी होती है, बच्चे होते हैं, जो भी बता, आप जैसा भी समझिए, आप भी अगर स्त्री भी पदाधिकारी तो बच्चे बच्चे भी ये देखते हैं, क्योंकि आपका स्वभाव तो वही बन चुका है ना। घर में दबाव बनाने का, हर क्यों का जवाब चाहिए, हर बात का स्पष्टीकरण चाहिए, ताल ठोके आप भी बच्चों से बहस में आ जाते हो। पति हो तो पत्नी से, पत्नी है तो पति से, सबसे पता जो कुछ। वो बच्चे भी देखते हैं, भाई ये मम्मी पापा अगर हमारे साथ रहेंगे तो ये तो रोज़ का इनका तो वो कहा सुनी मेरी मिस्सी से रहेगी, दूर रखो। बहू भी पति को समझाती, देखो जी इस तरह काम नहीं चलेगा, ठीक ना, आपकी मम्मी का इंटरफेरेंस बहुत है, आपकी बहन का इंटरफेरेंस बहुत है, हस्तक्षेप बहुत है, चलो अब करते क्या। मैं तो कह रहा हूँ ना कि जिनके बच्चे देश विदेश रहते हैं उनकी भी गति खराब है, लेकिन साथ साथ में उनकी और ज़्यादा गति खराब है। जिनके बच्चे देश में रहते हैं, चाहे वो 150 किलोमीटर दूर रहते हैं, वो भी नहीं रखते अपने पास, कई बार तो शहर के शहर में नहीं रखते। आप इस मोहल्ले में रह रहे हैं, वो भी उसी मोहल्ले में रह रहे हैं, दो मकान छोड़ कर, लेकिन नहीं रखते, माँ बाप से अलग ही रहते हैं कि भाई ठीक है, हाथ जोड़ के ठीक है जी, इनको अपने हिसाब से रहने दो, इनको तो क्या मिला। हमारे हरियाणा में कहावत है, डोगा लेके डोगी घुमाओ, बस और कोई काम नहीं, जो काम बोलते वो कर लो। डोगा मतलब डंडा, बुढ़ापे का जो होता है ना, टेक टेक के चलते। तो क्या मतलब बनता, कुछ भी नहीं। आपका जीवन क्या, खाली यही तो है ना कि आपके पास बहुत पैसा है, मतलब आप अच्छे सामर्थ्यवान हैं, अच्छी कोठी है, मकान है, सब कुछ बढ़िया, गाड़ी भी है, नौकर भी, परिवार कहाँ पे जी। चलो वो तो जो लोग आपको बहुत मानते थे, रोज दौड़ दौड़ के आपकी एक आवाज़ में आते थे, ठीक है ना, सर सर सर, मैडम मैडम मैडम, वो तो गायब हो गए, वो तो होने ही, वो आपको ही मालूम है, ठीक है ना। लेकिन जिनको आप बहुत मानते थे वो भी बहुत जल्दी से नहीं आते, आपको जल्दी से फ़ोन नहीं उठाते हैं, मालूम अब इसका क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं। तो इसीलिए आपको अपने परिवार के अंदर, पहली बात तो बाहर वालों के लिए तो पद को सलामत है, लेकिन परिवार के अंदर बहुत सामंजस्य बैठा के बच्चा, अब जो 40 साल पहले, 30 साल, 30 40 50 साल पहले जो माहौल था आपका, वो माहौल अब नहीं है और आने वाले समय में और भी नहीं रहेगा। बच्चों की अपनी सोच डेवलप हो चुकी है, वो एकल रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, और अगर उनको अपने पेरेंट्स को, चलो कहीं ना कहीं भारतीय संस्कार तो रखना भी चाहते हैं बहुत दिल से, मना नहीं करता बहुत दिल से, लेकिन वो ये बिल्कुल नहीं पसंद करते कि उनकी पत्नी को या उनको कोई टोका टाक करे, नुकताचीनी करे, उनकी बात में, उनके जीवन, उनके लाइफ स्टाइल में क्या कहते हैं, कोई इंटरफेरेंस करे, हस्तक्षेप करे। नहीं नहीं नहीं, अगर आप उल्लू बन के उनके साथ रह सकते हो तो ठीक है, वरना जीवन भर आपको क्या कहते हैं, केवल सिवाय और सिवाय कुछ नहीं मिलना आपको, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। क्यों, गधे बन के तो सारी जिंदगी काम करें, ठीक है ना, और कुत्ते की तरह आप भौंकना चाहते हो, ये अपने शास्त्र में कहानी भी आती है ना, एक नीति वगैरह में, ठीक है। तो इसीलिए कोई फायदा नहीं, बच्चे आपसे दूर हो गए, बिल्कुल नहीं बोलना। वो चाहे क्या कहते हैं, सुबह देरी से उठते हो, रात को देरी से सोते हो, कितनी मौज मस्ती करते हो, मतलब आपस में हस्बैंड वाइफ करते हो आजकल, ये सारी चीजें, ठीक है ना, वो कब जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा, आपको नहीं, आप बस मुस्कुरा आगे बच्चे, ठीक है, बहुत बढ़िया, चलेगा बच्चे, आपको बता के जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो अब अपने वाला जमाना, नहीं तो अपना अलग रहो, अकेले रहो ज़्यादा अच्छा। आप यही मानना, आपके बच्चे विदेश में, कम से कम वो माँ बाप ये तो मान के चलते जी मेरे बच्चे विदेश में, जब हम तो यहाँ अकेले इंडिया में, ठीक है ना, जिनका कोई भाई बेटी शादी हो गई और बेटा जब विदेश में चला गया, कहानी खत्म। मंगल कामना, नमस्कार। थोड़ी को बहुत गहराई से समझिए, ठीक है ना।